आज हम बात कर रहे हैं चीन की मोतियों की माला नीति क्या है। दरअसल जो चाइना है वो हिंद महासागर में भारत को घेर रहा है और भारत को घेरने की ये नीति मोतियों की माला नीति कहलाती है। आपने देखा है और इस बात को जानते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके नीचे हिंद महासागर लगता है, एक साइड में बंगाल की खाड़ी है, एक साइड में अरब सागर है। तो चाइना इसमें एक चक्र बना रहा है प्रायद्वीपीय भारत के सभी तरफ, और उसकी शुरुआत होती है पहले जो कोको द्वीप से जो म्यांमार का है उसमें उसने सैनिक अड्डा बनाया है। बीच में जब खालिदिया जिया की सरकार थी बांग्लादेश में तो चटगांव बंदरगाह पर भी उसने अपनी प्रगति की थी, हालांकि शेख हसीना भारत समर्थित हैं और जब से वो सत्ता में आई हैं तब आसान नहीं है। उसके बाद जो हम चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपना काम शुरू किया है, मालदीव में वो अपना इंटरफेयर बढ़ा रहा है, इधर फिर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर जो चीन ने बहुत काम किया है और उधर वो अपनी सैन्य उपस्थिति भी दर्ज करा रहा है। तो एक तरह से जैसे माला टाइप में बना रहा है प्रायद्वीपीय भारत, अगर एक तस्वीर है और उसके नीचे जो माला है उसे मोतियों की जो माला नीति कहते हैं। समुद्र के अंदर जिस तरह से चाइना भारत को बैलेंस कर रहा है, घेर रहा है, तो ये भारत चीन संबंधों में एक तनाव का कारण भी है, क्योंकि भारत हिंद महासागर की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा के साथ जोड़ता है। अगर उसमें किसी भी तरह की सैन्य गतिविधियाँ होती हैं तो भारत ये समझता है कि वो उसकी सुरक्षा के लिए देर सवेर संकट पैदा होगा। भारत चाहता है कि हिंद महासागर हमेशा शांति का क्षेत्र बना रहे, अर्थात यहाँ जो भी गतिविधियाँ हों वो केवल असैन्य श्रेणी की हों, केवल शांतिपूर्ण काम ही यहाँ हो, चाहे वो मछली पकड़ने का हो या जो व्यापारिक जहाज़ों के आवागमन का हो या और कोई नौसैन्य से संबंधित या जो काम होते हैं, तो उनके लिए भारत कभी ऐतराज़ नहीं करता है। तो ये एक नई घटना है और भारत चीन संबंध पर जब भी हम चर्चा करेंगे या कोई भी प्रश्न आता है तो हम इसको लिखेंगे।